नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्रेडिएंट्स इनसाइड में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट की जानकारी हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा नाम है डीके, मैं हूँ एक रिसर्चिंग फार्मासिस्ट मुंबई। तो ऑफकोर्स आप लोग तो थंबनेल और क्लिक बेट देख के आए होंगे कि ऐसी कौन सी क्रीम है जो मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, वो ये क्रीम जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ये डार्क स्पॉट्स निकालने में हेल्प करेगी, पिगमेंटेशंस में हेल्प करेगी, एज वेल एज मैं समझता हूँ एज स्पॉट्स में हेल्प करेगी, हाइपर पिगमेंटेशन में हेल्प करेगी। इतने सारे यूजेस हैं इस क्रीम के। ऑल इन ऑल एक अच्छी क्रीम है और मेलानिन के प्रोडक्शन को भी कम करेगी, गोरा करने में मदद करेगी, गोरा होने में हेल्प करेगी, पिगमेंटेशन घटाने में कम करेगी, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। तो वो क्रीम से मैं जल्दी पर्दा हटाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डार्क स्पॉट्स होते हैं धूप में ज़्यादा घूमने की वजह से जो स्पॉट्स आ जाते हैं उनको कम करने में और पिगमेंटेशन हटाने में जो क्रीम्स आज तक जो आ रही थी वो इतनी सक्षम नहीं थी जितनी ये क्रीम है। क्योंकि इस क्रीम में जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, यूजुअली कोई क्रीम में क्या होता है ये लोग पिगमेंटेशन हटाने का एक इंग्रेडिएंट डालेंगे, डार्क स्पॉट्स हटाने का एक इंग्रेडिएंट डालेंगे, हाइपर पिगमेंटेशन हटाने का एक इंग्रेडिएंट डालेंगे। लेकिन इस क्रीम में ये एक ऐसी क्रीम है जो इन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स एक क्रीम में डाल दिए हैं और इनको देख के अब दूसरे भी ब्रांड्स में भी लॉन्च करें। तो वो क्रीम जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है मेलाल्यूमिन अल्ट्रा, मेलाल्यूमिन अल्ट्रा डी पिगमेंटेशन क्रीम, कम्प्लीटली सेफ और क्या बोल सकते हैं नॉन इरिटेटिंग क्रीम है। और मतलब मैं समझता हूँ 90% ऑफ द क्राउड को ये क्रीम सूट कर जानी चाहिए। एमआरपी की बात की जाए 575 इसकी एमआरपी है और ऑलमोस्ट 20 ग्राम की ये क्रीम है और मेनारिनी कंपनी से मार्केट करती है। फूड बेस है, इसमें फूड का लोगो डाला गया है तो ये फूड बेस क्रीम है। मतलब इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो फूड बेस्ड हैं, वो मतलब ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, नॉन स्टीरॉयडल है, स्टीरॉयडल इसमें स्टीरॉयड नहीं है। यूजुअली सारे फेयरनेस क्रीम से हाइड्रोक्विनोन डाला जाता है, हाइड्रोक्विनोन एक स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को स्किन इन्फेक्शन भी देता है और स्किन इरिटेशन भी देता है, एज वेल एज स्किन के काफ़ी सारे और भी इश्यूज क्रिएट करता है अगर स्टेरॉयडल बेस क्रीम होती है और खास करके हाइड्रोक्विनोन होता है। हाइड्रोक्विनोन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स माने गए हैं, माना जाता है कि हाइड्रोक्विनोन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं और हाइड्रोक्विनोन ने काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स दिखाए भी हुए हैं। बट ये क्रीम खास नॉन स्टेरॉयडल है और हाइड्रोक्विनोन फ्री है। मैंने आपको बताया 575 इसकी एमआरपी है और ऑलमोस्ट 20 ग्राम्स की ये क्रीम है और डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब करते हैं पिगमेंटेशन दाग धब्बे हटाने के लिए, रंगत निखारने के लिए भी यूज होती है मेलाल्यूमिन अल्ट्रा क्रीम। ऐसे दिखती है क्रीम। और फ्रेग्रेंस की बात की जाए, आपको दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट फ्रेशली ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, इसको अनबॉक्स और रिव्यू कर रहा हूँ। तो फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी माइल्ड है और इरिटेटिंग फ्रेग्रेंस नहीं है, काफ़ी माइल्ड फ्रेग्रेंस है और इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ किया जा सकता है अगर आप यूज़ करना चाहें। लाइट येलोइश ये क्रीम है और मैं थोड़ी सी निकाल के दिखा देता हूँ, लाइट येलोइश ये क्रीम है और एब्जॉर्बिंग पावर की बात की जाए फास्ट एब्जॉर्बिंग है, जल्दी एब्जॉर्ब भी हो गई, फ्रेग्रेंस भी माइल्ड है और बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। रात को सोते समय डेली लगाइए, ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए, ऐसी कौन सी दवाइयाँ डाली गई हैं जो मेलाल्यूमिन आपको ठीक कर सकती है या मेलाल्यूमिन आपको गोरा कर सकती है। इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा हूँ, कोजिक एसिड डाला गया है और कोजिक एसिड मेलानिन को कम करने का काम करता है। कोजिक एसिड मेलानिन की प्रोडक्शन, मेलानिन एक ऐसा तत्व है जो आपके स्किन के जो आपके त्वचा के अंदर बनता है, जितना ज़्यादा मेलानिन बनता है उतना ज़्यादा आपकी रंगत खराब होती है, उतना ज़्यादा आप काले दिखते हैं। तो जितना मेलानिन बढ़ता है उतने आप काले दिखते हैं, जितना मेलानिन कम होता है उतने आप गोरे दिखते हैं। तो कोजिक एसिड क्या करता है, मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है, प्रोडक्शन को पकड़ता है, प्रोडक्शन को कम करता है जो इसमें डाला गया है। कोजिक एसिड इसमें डाला गया है,
आर्ब्यूटिन इसमें डाला गया है जो बियर बेरी और ब्लूबेरी और क्रैनबेरी से निकलता है। आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है आर्ब्यूटिन, बियर बेरी, ब्लूबेरी और क्रैनबेरी से निकलता है आर्ब्यूटिन, और वो भी मेलानिन को कम करने का काम करता है, मेलानिन को पकड़ने का काम करता है, मेलानिन के प्रोडक्शन को रोकने का काम करता है आर्ब्यूटिन। नियासिनामाइड विटामिन B3 जो स्किन के हेल्थ को इम्प्रूव करता है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, स्किन के टोन को इम्प्रूव करता है माना जाता है, स्किन को और हेल्दी बनाता है, लस्ट्रस बनाता है, रिच बनाता है। विटामिन B3 भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। उसके बाद इन्होंने विटामिन सी डाला है। विटामिन सी तो हम सबको पता है एक मास्टर वाइटामिन है, एक गॉड वाइटामिन है, हम उसको गॉड वाइटामिन भी बोलते हैं। वाइटामिन सी भी आपको ग्लो देने का काम करता है, पिगमेंटेशन हटाने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है वाइटामिन सी, ऑक्सीडेशन कम करने का काम करता है। तो ओवरऑल स्किन की अपियरेंस, स्किन के लुक को और स्किन को हेल्दी बनाने का काम करता है वाइटामिन सी। लिकोरिस मुलेठी पाउडर जिसको बोलते हैं, मुलेठी पाउडर का एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, वो भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है जो मेलालुमिन में डाला गया है। लिकोरिस एक्सट्रैक्ट जो मुलेठी पाउडर का एक्सट्रैक्ट है वो भी आपको रंगत निखारने में, गोरा करने में हेल्प करता है, तो बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट है ये भी। और रिकमेंडेड है कि अगर आपको रंगत निखारनी है, ऑल इन ऑल यही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो डाले गए हैं, और यही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बेस बनाते हैं हाइपर पिगमेंटेशन हटाने के लिए, पिगमेंटेशन हटाने के लिए और रंगत निखारने के लिए, गोरा करने के लिए। ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट रहे हैं एक फेयरनेस क्रीम में जो होने चाहिए। एक फेयरनेस एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि पॉसिबल नहीं है फेयरनेस, बहुत ज्यादा डार्क स्किन है लेकिन हम स्किन क्लियर तो कर सकते हैं ना। अगर कोई भी एक डार्क इंसान है, बहुत काला इंसान है, उसका स्किन क्लियर तो रहे, उसको पिगमेंटेशन ना हो, हाइपर पिगमेंटेशन ना हो, यहाँ काला यहाँ गोरा, यहाँ काला यहाँ गोरा, पैची स्किन ना हो, उसको तो ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? उसको तो ठीक करना चाहिए, क्योंकि स्किन जितनी क्लियर दिखेगी अच्छी दिखेगी, स्किन जितनी साफ दिखेगी अच्छी दिखेगी, तो एटलीस्ट उसको तो क्लियर रखें, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन क्लियर रखना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मेलालुमिन करती है। मैं आपको मिराकुलस रिजल्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा कि इतना काला था इतना गोरा हो जाओगे, वैसा कुछ, वैसा मैं आपको कोई मिराकुलस रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहा। एटलीस्ट स्किन की जो इश्यूज हैं, जो स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको तो क्लियर करें। जो पिगमेंटेशन हो गई, दाग धब्बे हो गए, कालापन हो गया, जो धूप की वजह से जो स्किन खराब हो रही है, पैची स्किन हो रही है, उसको तो क्लियर करने का काम करें। तो क्या जो स्किन के जो इश्यूज हैं वो क्लियर दिखेंगे ना, तो स्किन ऑटोमेटिकली ग्लोइंग और रेडियंट दिखेगी। स्किन जब आपकी क्लियर रहती है ना, उसको भी ग्लोइंग स्किन माना जाता है, हेल्दी स्किन को भी ग्लोइंग स्किन माना जाता है, क्लियर स्किन को भी ग्लोइंग स्किन माना जाता है। स्किन को क्लियर रखना हमारा मेन मोटो है, स्किन क्लियर रहेगी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये बात हो गई इंग्रेडिएंट्स की। अब मेलालुमिन कैसे यूज करना है। मेलालुमिन आपको दिन में 2 बार यूज करना है, सुबह और रात, सुबह नहाने के बाद और रात को सोते समय। अगर आप सुबह बाहर, आपका बाहर जाने का काम है, बहुत बाहर जाने का काम रहता है, तो सुबह मत लगाइए, रात को सोते समय ही लगाइए। जब तक ये क्रीम लगा रहे हैं, याद रखिएगा सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन लगा के ही बाहर निकलना है। कोई भी SPF 50 अराउंड का सनस्क्रीन अच्छा होगा। बाहर निकलने से आधा घंटा पहले एक सनस्क्रीन अप्लाई करके निकलिए, स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। सेकेंडरी अगर आपको मेलालुमिन देखना है कि आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही है, तो छोटा सा पैच टेस्ट लेके देखिए, थोड़ा सा मेलालुमिन क्रीम लेके हाथ के सिलेक्टेड पार्ट पे लगाइए और एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर उधर कोई भी एलर्जी या उधर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है तो मेलालुमिन आपके लिए सेफ है। और अगर आपको रेडनेस और अगर आपको इचिंग इरिटेशन या फंगल इचिंग इरिटेशन कुछ हो रहा है मेलालुमिन लगाने का, तो इमीजिएटली मेलालुमिन बंद कर दीजिए, अपने डॉक्टर को वापस कंसल्ट कीजिए कि आपको मेलालुमिन सूट नहीं कर रही है। बट मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा, मेरे अकॉर्डिंग रिव्यू में, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, हाइपर पिगमेंटेशन, दाग धब्बे और डार्क स्पॉट्स और डार्क स्किन से छुटकारा चाहिए, अगर आपको उस ट्रीट करना है, तो मेलानिन अल्ट्रा एक अच्छा ऑप्शन है, यूज कीजिए। 575 रुपीज की ये क्रीम है, वर्थ इट है, यूज कीजिए, ये आपको श्योरली अच्छे रिजल्ट्स देगी, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया।